क्या चाहिए तेरे को? बता पैसे क्या करेगी पैसे से? हैं दिन में कितने रुपए कमा लेती है? सच से बता, फिर पैसे दूंगा। ये तो बताओ ना क्या है? पढ़ती नहीं, स्कूल नहीं पढ़ती तो है हमारे पास क्यों? लेकिन ये तो है ना, ऑर्गेनाइजर है ना, ये नहीं पढ़ती। डाल दे रही है ये सीट। जय शेफ पहले बदान फिर देता हूँ। पढ़ती नहीं है क्यों? ये तेरी बहन है? कौन है? बरसाती है। बरसाती हो तुम लोग? तीनों बहन भाई हो? हाँ, छोटी जी की बहन है। तुम लोग तीनों बहन भाई हो? हाँ, तीनों बहन भाई हैं। तू भाई है इनका? हैं? फोटो खींच रहा है। क्या फोटो खींच रहा हूँ तुम्हारा? तो बीच में वीडियो बना रहे। इधर आने कहाँ जा रही है? घर ना। फोटो से क्या होता है? हैं? मेरा तस्वीर ले रही है। तुम में से बड़ा कौन है? मैं ना। तू बड़ा है? तू लड़का है? हाँ। ये दोनों लड़की हैं। ये बहन है तेरी? ये लो। अब ये देखें कि इनके वालिदैन भी इनके साथ हैं। अब ये इसकी माँ है, अब इसके साथ इसका वालिद भी था, वो चला गया है, ये इनसे भीख मंगवाते हैं। अब ये छोटी सी इनकी उम्र है और इस उम्र में ये लोग इनसे भीख मंगवाते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ। क्या इनके वालिदैन से सवाल नहीं होगा रोज़े क़यामत? इतनी सी उम्र को इनको भीख पे लगा देते हैं, मांगने के लिए लगा देते हैं। ये उम्र इनकी खेलने कूदने की होती है, स्कूल जाने की होती है, और ये माँ बाप इनको पैदा करके और मांगने के लिए भेज देते हैं। तो ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि छोटे बच्चों से कम छोटे बच्चों से तो हमें भीख नहीं मंगवानी चाहिए। एक मेच्योर बंदा हो तो समझ आती है, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की है उनसे ये भीख मंगवाते हैं।